नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड स्पेशल और मैं हूं राहुल शर्मा। आज हम बात करेंगे झारखंड की सियासत की। झारखंड में लोहरदगा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चली है। हार जीत के नए नए समीकरण बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच मुद्दों की चर्चा नहीं हो रही है। आज हम समीकरण सेट मुद्दे के हवा में की बात करेंगे, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं लोहरदगा की लड़ाई। चौदह दिसंबर को एक साल के अंतराल पर दूसरी बार लोहरदगा विधानसभा का उपचुनाव होगा। इस चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लोहरदगा में एनडीए और यूपीए आमने सामने हैं। इस चुनाव को झारखंड में सियासत करने वाली पार्टियों के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोहरदगा के मुद्दों का समाधान होगा। कौन जीतेगा लोहरदगा की लड़ाई, किसके वादों पर जनता करेगी यकीन, किसमें है मुद्दों को सुलझाने का मादा, लोहरदगा उपचुनाव में ये कुछ अहम सवाल है। एक साल के अंतराल पर दूसरी बार हो रहे चुनाव में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है। यही कारण है कि सभी पार्टियां मजबूती से यहां चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि सियासी पार्टियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई में लोहरदगा के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में आज भी समस्याओं की लंबी सूची है। यहां बेरोजगारों की फौज है। बॉक्साइट के भंडार के बावजूद यहां एक भी उद्योग नहीं है। सिंचाई की सुविधा नहीं है। बिहार सरकार के कार्यकाल में बनाए गए नंदनी डैम के नहर ध्वस्त हो चुके हैं। नक्सलियों के खौफ से व्यवसायी पलायन कर रहे हैं। ये इलाका अभी भी झारखंड के दुर्गम इलाके के रूप में जाना जाता है। क्षेत्र में बिजली, सड़क, पेयजल की समस्या बरकरार है। इस चुनाव में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। सियासी पार्टियां प्रतिष्ठा को सामने रखकर चुनाव लड़ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लोहरदगा की जनता सियासी दलों की प्रतिष्ठा या अपनी समस्या, दोनों में से किसे ध्यान में रखकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। तो पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, नेताओं का लिटमस टेस्ट हुआ और अब बारी झारखंड के नेताओं की है, जहां यूपीए और एनडीए के उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ मैदान में नजर आ रहे हैं। लेकिन मुद्दों की लड़ाई कौन कर रहा है, अहम सवाल यह है और इसी पर होगी हमारी बहस भी। हमारे साथ इस वक्त रांची स्टूडियो से दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय कराएंगे आपका। शमशेर आलम नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है शमशेर जी। प्रदीप सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बड़ा सवाल प्रदीप सिन्हा साहब आपके लिए, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, बिहार में देख लिया एनडीए ने हश्र, अब सवाल झारखंड का है, क्या मानते हैं आप? देखिए, मतदाताओं के बीच हैं और जिस तरह से आजसू के प्रत्याशी को पिछले बार लोगों ने अपना मत दिया और विजयी बनाया, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार भी जनता हमारे साथ खड़ी होगी। और विगत एक साल में सरकार ने जो काम किए हैं गरीबों के लिए और जो वादे किए गए थे उनसे, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से लोगों का भरोसा बढ़ा है सरकार के प्रति, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जनता एक बार फिर हमारे साथ खड़ी होगी। शमशेर आलम साहब, प्रदीप सिन्हा साहब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि एक साल में रघुवर सरकार ने विकास दिखाया है पूरे राज्य में, आप कितना सहमत हैं इससे? देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, और उसमें जो हमारा, हम बहुत कम अंतराल से, सैकड़ों के अंतराल से हम चुनाव हार गए थे जी। लेकिन जिस तरह से चुनाव हारने के बाद हमारे जो प्रत्याशी हैं और माननीय प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भी हैं श्री सुखदेव भगत जी, वो लगातार मतदाताओं के बीच और चुनाव क्षेत्र में जिस तरह से जन मुद्दों के सवाल पर वो लड़ते रहे हैं और बोलते रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक साल जो सरकार जो एक साल चली है और उसमें जिस तरह से स्थानीय नीति के सवाल पर सरकार ने लगातार तीन बार झूठ बोलने का काम किया है, नियोजन नीति पर लगातार सरकार झूठ बोल रही है,
पलायन हो रहे हैं। लोहरदगा जहां आप दिखा रहे थे वहां नरेगा जब था तो मनरेगा और इंदिरा आवास जैसी योजनाएं बंद हो जाने के कगार बंद होने के कारण वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम सरकार की जो एक साल की जो विफलता रही है उस विफलता को लेकर के हम चुनाव मैदान में जाएंगे और जनता के बीच इसी विफलता को लेकर पहले भी आप चुनाव मैदान में गए थे शमशेर आलम साहब, उस समय भी आपके प्रतिनिधि थे लोहरदगा में, जीत कर कौन आया सामने? नहीं नहीं देखिए, सरकार बनने के बाद जो पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास की नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी जब उनको पूर्ण बहुमत झारखंड की जनता ने दे दी और उसके बाद जो सामने नजर आ रहे हैं विकास के नाम पर, तो विकास तो कहीं हो नहीं रहा है। विधि व्यवस्था का जो आलम है वो आप सब हम लोगों से ज्यादा जान रहे हैं और जितने भी चीजों को मैंने गिनाया उन सारे चीजों पर सरकार खड़ी नहीं उतर रही है। तो ऐसे में अब आप छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि स्थानीय नीति के सवाल पर जब सरकार बनी थी और आपने फरमाया कि हम 30 अप्रैल तक स्थानीय नीति हम बना लेंगे, उसके बाद में फिर आप भूल गए, फिर आपने बिहार चुनाव को देखा और उसके बाद कहा कि 15 नवंबर के बाद हम इसको बना लेंगे, फिर आप बिहार चुनाव के बाद भी मतलब प्रदीप सिन्हा साहब बहुत तरह की चुनौतियां हैं इस वक्त रघुवर सरकार पर सीधे कांग्रेस सवाल उठा रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो लोहरदगा विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ेगी और बताने की कोशिश करेगी कि सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। आप कैसे इस तर्क का जवाब देंगे? देखिए, राजनीति में चुनौतियां हमेशा होती हैं और इस चुनौतियों से आगे निकल जाना ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन है उसने बखूबी सीखा है। और विगत लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उस दौरान भी हमारे जो विपक्षी दल हैं उन लोगों ने हम पर तरह के आरोप लगाए कि 15 वर्षों में अधिकांश समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही राज्य में और विकास को लेकर हम पर प्रश्न खड़े किए गए, लेकिन राज्य की जनता ने भरोसा हम पर जताया, कांग्रेस पर नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस सिर्फ अनर्गल आरोप लगाती रहे और जहां तक अनर्गल आरोप कहां लगा रही है, आप याद कीजिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास साहब ने कहा था कि अप्रैल तक स्थानीय नीति बन जाएगी। क्या स्थानीय नीति बन पाई? कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर झारखंड सरकार ने कई बातें कही थी कि वो सारे काम हो जाएंगे, क्या वैसा कुछ नजर आ रहा है आपको? और खास तौर पर प्रदीप सिन्हा साहब, अगर लोहरदगा की बात करें तो क्या आपको लगता है कि बिजली, पानी, सड़क और अपराध जैसी जो ये मूलभूत जिस तरह की समस्याएं हैं जिससे वहां के लोग उभर रहे हैं उससे निजात मिल पाई है लोहरदगा वासियों को? नहीं, आपने जो समस्याएं गिनाई क्या सिर्फ एक साल की देन है या जो लंबे समय से इस क्षेत्र में कांग्रेस का भी शासन रहा, तो सिर्फ उसको क्रेडिट हमारे हिस्से नहीं आना और बाकी सारी विफलताएं हमारे हिस्से डाल देना। मैं समझता हूं कि जनता इसको समझती है और ब्लेम गेम से बचना चाहिए अब नेताओं को। मैं समझता हूं ब्लेम गेम से जनता आज ही जा चुकी है और जनता समझती है कि अब कांग्रेस वाले तो आप पर यही आरोप लगाएंगे प्रदीप साहब कि सबसे ज्यादा समय तक झारखंड बनने के बाद शासन एनडीए का ही रहा है। ऐसे में ये कहना कि कांग्रेस ने काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं एनडीए ने फिर क्या किया, ये सवाल करेंगे? नहीं, एनडीए ने अगर नहीं किया तो लगातार दो बार उसका प्रत्याशी जीता कैसे? उस पर लोगों ने भरोसा जताया दो बार, प्रत्याशी एनडीए के ही जीत चुके हैं तो इस बार भी उनकी जीत होनी तय है। तो क्या जनता मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव में वोट डालने नहीं जाएगी क्या? दोनों पहलू पर भाई प्रदीप जी बोल रहे हैं। एक तरफ इन्होंने कहा कि विपक्ष चिल्लाता रहा और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलती रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी पर आरोप लगाए नहीं आरोप लगाए, जिस तरह से पहले जब से राज बना है सरकार बनी जब आप एनडीए के भाइयों से आप सवाल करते कि विकास नहीं हो रहा है तो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक ही जवाब होता था, हम लोग चूंकि गठबंधन की गवर्नमेंट है और इसमें हम खुले तौर पर काम करने में अक्षम हैं। लेकिन जब आपने ये नारा दिया कि जब आप पूर्ण बहुमत देंगे आप हमको तो हम संपूर्ण विकास होगा, तो पहली बार भाई प्रदीप जी को मैं बता दूं कि पहली बार झारखंड की जनता ने आपको फुल बहुमत की सरकार दी, लेकिन फुल बहुमत के सरकार में जब अब जनता को और मतदाताओं को निराशा हाथ लग रही है तो सवाल उठना ये जायज है। मतलब आप लोगों के शासनकाल में जनता पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबा में भी झांकना चाहिए। अगर आप देखें
तो मधु कोड़ा के शासनकाल में, शमशेर आलम साहब, मधु कोड़ा के शासनकाल में जिस तरह से झारखंड बदनाम हुआ करोड़ों रुपए के घोटाले के लिए, क्या वो आपके सरकार के दिन नहीं रही? राहुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जो मौके मिले अगर सरकार में शामिल होने का या रहने का, तो वो सरकार थी हेमंत सोरेन की सरकार और वो पिछले 14 महीने की सरकार रही। और आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन के सरकार में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रत्यक्ष रूप से सरकार में थी और हमारे जो भी मंत्री थे उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया, सरकार भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले हेमंत सोरेन के सरकार में जिस तरह से क्रियाकलाप थे और जो झारखंड का वातावरण था, निश्चित तौर पर इस सरकार में वो वातावरण सारे प्रदीप सिन्हा साहब सीधे तौर पर एनडीए को घेरने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की तरफ से। कहना यही है कि जो भी पिछली गलतियां हुई हैं उनसे पूरी तरह से पर्दा ढकने की कोशिश है और सिर्फ एनडीए को बदनाम किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, देखिए हम किसी को सवाल, प्रदीप सिन्हा साहब से ये सवाल किया हमने, तो बदनामी तो आपको सहना जी। प्रदीप सिन्हा साहब, अहम सवाल यही है कि एनडीए पर आरोप तो लग रहे हैं लेकिन क्या यूपीए पूरी तरह से दूध की धूली नजर आ रही है आपको? नहीं, मैं एक बात यही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब अर्जुन मुंडा जी की सरकार चल रही थी और जेएमएम ने विथड्रॉ किया था तो मुद्दे क्या थे अलग होने के? सबसे सर्वोपरि था कि स्थानीय नीति तय होनी चाहिए, लेकिन जब 14 महीने ये साथ रहे जेएमएम के तब इनको स्थानीय नीति याद नहीं आई। लेकिन रघुवर सरकार ने घोषणा किया और उन्होंने फिर दोबारा अभी बोला है कि हम इसको जल्दी ही घोषणा करने जा रहे हैं। एक बार हम फेल हुए हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने डेडलाइन कोई निर्धारित की थी उससे किसी कारण से आगे बढ़ना पड़ा है, लेकिन उस दौरान वो कारण क्या रहे ये भी तो जनता को बताना पड़ेगा सिन्हा साहब। स्थानीय नीति का फायदा झारखंड के हजारों हजार युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, रोजगार संबंधी परेशानियां हो रही हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी परेशानियां हो रही हैं, राशन कार्ड नहीं बांटे गए हैं, कई तरह के समस्याओं से झारखंड के गरीब गुरबे जूझते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके झारखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, खास तौर पर बिरहोरों की मौत हो जाती है भूख से, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है, भले ही किसी के शासनकाल में हुई हो। देखिए, जहां तक प्रश्न अभी आपने उठाया कि राशन कार्ड नहीं बंट रहा है, मैं समझता हूं कि आपको पूरी जानकारी नहीं है। राशन कार्ड बंट रहे हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उसको दूर करने का निर्देश दिया गया है। और जहां तक प्रश्न है कि कौन भूख से मरा, निश्चित रूप से इसको मैं समझता हूँ कि सेक्शन बांटने के बजाय कि बिरहोर मरा या अनुसूचित जाति मरा या अनुसूचित जनजाति मरा, किसी व्यक्ति की मौत हुई भूख से, वो दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन को यह देखने की जिम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ों पर नज़र रखे, कोई इस तरह से अगर पीड़ित हो तो उस तक सहायता पहुँचाई जाए। लेकिन सीधे सीधे इसको सरकार का विफलता मान लेना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये चीजें एक दिन की देन नहीं है, पहले भी होती रही है, अब भी कभी कहीं हो जाती है। नहीं, सबका साथ सबका विकास का नाम लेकर आपकी पार्टी आगे बढ़ी, इस बार एनडीए के पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनी, तो लोहरदगा वासी आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि दो बार आपके कैंडिडेट चुन लिए थे तो तीसरी बार उनका चुनाव क्यों किया जाए? आखिरकार ऐसा कौन सा तीर मार लिया गया है, कौन सी सुविधाएं प्रदान करा दी गई हैं लोहरदगा वासियों को, कितने रोजगार दिए गए हैं, क्या ऐसी नई योजनाएं हैं जो झारखंड सरकार लेकर आई है कि उन्हें दोबारा मौका दिया जाए? नहीं, दो बार जब हमारे प्रत्याशी जनता के बीच थे तो क्या जनता बेवकूफ थी कि उन्होंने दोबारा उनको उसके नाम पर मुहर लगाई? निश्चित रूप से उनके बीच जो समस्याएं थी उसके समाधान के दिशा में कमल किशोर भगत ने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया, इस चलते जनता ने उनको दोबारा चुन के भेजा। और आप ये समझ के चलिए कि तीसरी बार भी उपचुनाव में भी इस बार भी हम जीतेंगे। और मुद्दे जहां तक है, मुद्दे विपक्ष उठाए, हम उन मुद्दों का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। और राज्य में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, आज आप देखेंगे कि आज पूरे राज्य में सड़कों के क्षेत्र में जिस तरह से काम हो रहा है और उग्रवादी घटनाओं पर जिस तरह से लगाम लगाया गया है, तो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है लोहरदगा, वहां की जनता अगर राहत महसूस कर रही है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट की सफलता है। और मैं समझता हूं शमशेर आलम साहब, प्रदीप जी ने कहा है, संज्ञान में लेते हुए कहा है कि उग्रवादी घटनाओं पर लगाम लगी है लोहरदगा में, क्या कहेंगे आप, विपक्ष में है? देखिए, सवाल है कि लगना भी चाहिए उग्रवादी घटनाओं पर लगाम, लेकिन
मैं नहीं कह रहा हूं या प्रदीप जी नहीं कहे, आपके पास डाटा स्वतः मौजूद होगा कि उग्रवाद पर जो लगाम के साथ साथ जिस तरह से अपराध बेलगाम हो गया है, इस पर सरकार की चुप्पी और सरकार की मौन आप देखेंगे। लगातार पर डे प्रतिदिन आपको या राजधानी सहित चाहे वो हमारा सुदूर इलाका क्यों नहीं हो, सारे जगह अपराध का बोलबाला हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपराध को लगाम लगाने में सिर्फ एक ही काम करते हैं कि जब अपराध बेकाबू हो जाता है तो तुरंत प्रशासनिक समीक्षा बैठक ये करते हैं और उसके बाद ये मामला खत्म हो जाता है। इस बीच रोकना चाहेंगे आपको शमशेर साहब, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। और कांग्रेस के विधायक आलमगीर आलम ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा इस बार कांग्रेस के पक्ष में हवा बह रही है, लोहरदगा विधानसभा चुनाव के दौरान रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। कि ये तो अब तय है कि हमें पुराना साथी रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजीडी का पेपर में अखबार में आ ही चुका है कि हम लोग कांग्रेस को समर्थन देंगे ही। और जहाँ तक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ कैंडिडेट नहीं दिया है और वहाँ के लोग मान रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट नहीं दिए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के गठबंधन को ही समर्थन देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐसा किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा आज नहीं तो कल जरूर ऐलान करेंगे कि हम कांग्रेस के साथ हैं। और अभी जो है हवा जो है कांग्रेस के पक्ष में, तो कांग्रेस के पक्ष में हवा बह रही है, ये कहना है आलमगीर आलम का। कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं। बड़ा सवाल शमशेर आलम साहब आपसे ये कि इससे पहले भी सुखदेव भगत लड़ चुके हैं लोहरदगा विधानसभा का चुनाव लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए, इस बार क्या आपको लगता है मुख्य वजह रहेगी कि वो पूरी तरह से इस बार एनडीए को पटखनी देने के मूड में नजर आएंगे? नहीं नहीं, देखिए सीधा बात है कि जिस तरह से वहां के जो स्थानीय विधायक जी पर जो आरोप लगा और उस आरोप के तहत वो जेल गए, और जिस तरह से स्थानीय मुद्दों को लगातार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय सुखदेव भगत जी लगातार स्थानीय मुद्दों के सवाल पर पिछले एक वर्षों से वो जिस तरह से लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव पांव-पांव जा करके जनहित और जन मुद्दों के सवालों पर जिस तरह वो लोगों से मिल रहे हैं और उनके समस्या के समाधान हेतु जिस तरह से प्रयासरत रहे हैं, निश्चित तौर पर जनसंपर्क से उनका सीधा संवाद बढ़ा है। और जनसंपर्क से संवाद बढ़ा है यहाँ पर दूसरा ये सुखदेव भगत जी का बड़ा सवाल आपने रखा है यहाँ पर, लेकिन प्रदीप सिन्हा साहब ये काम तो आपकी पार्टी के एनडीए के कैंडिडेट भी कर रहे होंगे, वो भी जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे होंगे और ऐसी तो परिपाटी रहती है चुनाव के दौरान, सबको ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन नया क्या, ऐसा क्या नया कि जनता विश्वास दिखाए और लोहरदगा उपचुनाव के जरिए आप तमाम दलों को ये सोचने पर मजबूर करे कि जनता क्या चाहती है? नहीं देखिए सीधा सवाल है राहुल जी, साफ समझ लीजिए आप के लोहरदगा की जनता पिछले चुनाव में अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, इसलिए ठगा महसूस कर रही है कि पिछले बार माननीय भारतीय एनडीए के जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह जी ने वहां से शुरुआत किया चुनावी अभियान पूरे झारखंड का, और वहां जा करके लोहरदगा में जिस तरह से इन लोगों ने झूठे वादों का पुलिंदा झारखंड की लोहरदगा के जनता को दिया कि बॉक्साइट के सवाल पर हम ये कर देंगे और यहाँ से बेरोजगारी दूर हो जाएगी और माइंडसेट के तहत पूरे लोहरदगा को हम सिंगापुर बना देंगे। लेकिन तो यूपीए और एनडीए के अलावा एक और अहम शख्स है झारखंड में, प्रदीप सिन्हा साहब आपसे सवाल, एक और शख्स है बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो है, उनकी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, उनकी भी स्वच्छ छवि है, लिहाजा वो पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। प्रदीप सिन्हा जी, देखिए आज से 15 दिनों पहले तक जेवीएम का कोई उम्मीदवार नहीं था। अब जहां तक बंधु तिर्की जी का प्रश्न है, बंधु तिर्की अपने स्तर से उस क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे, वहां कैंडिडेट ही नहीं था जेवीएम के पास, तो जेवीएम ने उनको ग्रैब कर लिया अपने हिस्से में, शामिल करवा लिया दल में और फिर उनको कैंडिडेट घोषित कर दिया। आज दल दल भटक रहे हैं, प्रदीप यादव जी लालू यादव से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे दल को समर्थन दीजिए। कांग्रेस पार्टी का आलमगीर आलम अभी आपके यहाँ बाइक चल रहा था, वो कह रहे हैं कि आरजेडी ने कह दिया है कि हम कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, जेएमएम ने कैंडिडेट नहीं दिया तो वो मान के चल रहे हैं कि हमारे साथ वो खड़े होंगे, जबकि जेएमएम किस तरह से बार्गेन की राजनीति कर रहा है ये भी देखने योग्य बात है।
लेकिन हमारा गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं, एक ध्येय के साथ एक लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े हैं और इस लक्ष्य को हम हासिल करके रहे। लेकिन बड़ा सवाल, अभी प्रदीप सिन्हा साहब आपने कहा कि एडॉप्ट किया किसी तरह से, जगह दी 15 दिन पहले बंधु तिर्की जी को, झाझम के विधायक रह चुके हैं इससे पहले, और इससे पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, बंधु तिर्की भी जाना पहचाना नाम है, मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, तो क्या उनको इतना कम आंकेगी क्या लोहरदगा विधानसभा उपचुनाव के दौरान जनता, क्या उन्हें कम आंकेगी? तो मांडर की जनता ने उन्हें बाहर क्यों किया? आखिर कुछ तो खामियां रही होंगी उनमें, विफलताएं रही होंगी जो मांडर की जनता को पसंद नहीं आया होगा। मांडर छोड़कर आज लोहरदगा जाना पड़ा, इन कारणों को भी समझना होगा। बाबूलाल जी जिस तरह से सीट बदलते रहते हैं हर चुनाव में, वही परिपाटी इस दल में चल रही है। बाबूलाल जी दो दो सीट से खड़े हुए, दोनों सीट से हारे, इसलिए बाबूलाल जी अब। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना होगा प्रदीप सिन्हा साहब की उनकी स्वच्छ छवि रही है, जिसका फायदा उनके कैंडिडेट को मिल सकता है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और किस तरह से उन्हें पद से हटाया गया ये भी किसी से नहीं छुपा है, किस साजिश का शिकार हुए, कैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी, अपना दल बनाया और आज अकेले अपनी लड़ाई खुद आगे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस स्वच्छ छवि की बात कर रहे हैं? जिसके राज्य में, जिसके शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार जब चरम पर हुआ, तो उनका खुद का बयान था कि मुझे रातों को नींद नहीं आती है, तो उस व्यक्ति को आप स्वच्छ छवि का बता रहे हैं? भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में उन्होंने ये सवाल दिया था प्रदीप सिन्हा साहब, गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा था कि इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोक पाने में मैं अक्षम हूं, और उसके बाद उनको अपदस्थ कर दिया गया था सीएम पद से। उसको रोकने की जवाबदेही किसकी थी? उसको रोकने की जवाबदेही किसकी थी? आज भी जो झारखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको रोकने की जवाबदेही किसकी है? सरकार की है, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आप देखिए एसीबी किस तरह से काम कर रहा है राज्य में, और आप जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि उनको पद से हटाया गया, मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं गया, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने जिस तरह से राज्य को आग में झोंका, भाई भाई को लगाने का काम किया। आखिरी सवाल आपसे प्रदीप सिन्हा साहब, क्यों चुने लोहरदगा की जनता इस बार एनडीए का कैंडिडेट? दो बार चुन लिया है तो क्या तीसरी बार भी मौका दे दे? इसका कोई उदाहरण तो होगा आपके पास? राज्य में अमन चैन हो, लोहरदगा जो उग्रवाद प्रभावित है वहां अमन चैन हो, उग्रवादियों की गतिविधियां कम हो, साथ साथ विकास के जो मापदंड हम लोगों ने स्थापित किए हैं वो जन जन तक पहुंचे, इस विश्वास के साथ हम जनता के बीच हैं और जनता हम पर भरोसा करेगी। शमशेर आलम साहब, एनडीए ने अपना पक्ष रख दिया है, कांग्रेस क्या कहेगी? देश की सबसे पुरानी पार्टी और सुखदेव भगत जाना पहचाना नाम, क्या ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जनता आप लोगों की तरफ भी देखे? नहीं, सीधा हम लोगों ने तो कहा ना कि जो जुमलेबाजी हुआ लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में, हम कोई जुमलेबाजी करना नहीं चाहते, हम झारखंड, हम लोहरदगा के जनता से कोई झूठा वादा नहीं करना चाहते। जो हमारे जन मुद्दे हैं, जो लोहरदगा को जरूरत है, वो सारे जरूरत पर हमारे प्रत्याशी सुखदेव भगत जी खड़े उतरेंगे, कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ हम वहां जाएंगे, सरकार की जो विफलता है उसको हम बताने का काम करेंगे, और सरकार ने जो लोहरदगा की जनता के साथ धोखा किया है उसको भी हम उजागर करने का काम करेंगे, और यही हमारा मुद्दा होगा और हम इसी पर चुनाव जीत कर। चलिए, मुद्दों को लेकर इस बार एनडीए, यूपीए और बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा चुनावी मैदान में है, लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये होगा कि आखिरकार किसे मिलेगी जीत और किसकी होगी हार? लोहरदगा विधानसभा चुनाव में जनता किसके सर बांधेगी जीत का सहरा? बहरहाल, आप दोनों मेहमानों का रांची स्टूडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ झारखंड स्पेशल में अहम सवाल ये कि लोहरदगा की जनता इस बार किस तरह के मुद्दों को लेकर कैंडिडेट्स को वोट देगी, चूंकि वो ठगी गई है हमेशा, हर बार उग्रवाद की बात हो, रोजगार की बात हो, गरीबी, अशिक्षा, बदहाली, बिजली पानी सड़क, इन तमाम मुद्दों पर लोहरदगा की जनता चाहती है इंसाफ। कौन ऐसा कैंडिडेट होगा जो करेगा उनके सपनों को पूरा, रहेगा इसका इंतजार। दीजिए इजाजत, नमस्कार।